नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से और ये वास्तव में बुरी खबर भी है। दिल्ली से है ये खबर, जहां पर पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। निरंकारी ग्राउंड में खेलने गए थे ये बच्चे और अचानक पानी में डूब गए और उनकी जान चली गई। ग्राउंड में भरे पानी में डूबे तीनों बच्चे दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके के थे। दिल्ली में पानी का तांडव आप सभी देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली के इस ग्राउंड जो इस इलाके में हम खड़े, मैं आपको दिखाऊं, ये वही ग्राउंड है जहां पर 3 मासूम 8 से 10 साल 12 साल के बच्चों की यहीं पर डूबने से दर्दनाक मौत हुई है। तीनों के तीनों बच्चे जहांगीरपुरी इलाके के रहने वाले हैं और यहां पर जो है खेलने के लिए आए हुए थे। स्थानीय निवासी यहां पे हमारे साथ मौजूद है। सर बताएंगे क्या हुआ था, पूरा क्या पता है आपको इस बारे में? मैं जगजीवन राम हॉस्टल में अपने किसी काम से गया हुआ था, तो वहीं पे जैसे एकदम से भीड़ आई बहुत सारी, जिसमें 2 बच्चों की डेड बॉडी थी। उसके मात्र 2 से 3 मिनट के बाद एक और डेड बॉडी आई बच्चे की, जिसमें कि एक का नाम निखिल बताया जा रहा है, एक पीयूष और एक आशीष है, जिसमें एक की उम्र 8 साल, एक की 10 साल, एक की 12 साल है। ये तीनों बच्चे जहांगीरपुरी एमसीडी फ्लैटों के सामने रिंग रोड के पास एक ग्राउंड है जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ है, तो वहां पे नहाने गए थे और नहाते नहाते इनकी डूबने से मौत हो गई। और जब तक ये अस्पताल पहुंचे हमारे सामने तो वहां पे डेड थे ऑलरेडी। अच्छा, तो ये कुछ पता लगा बच्चे किस लिए आए थे यहाँ पे? ये नहाने के लिए आए थे बारिश के पानी में। अच्छा, ये बता रहा है यहाँ पे लगा हुआ है जो इसलिए आए थे शायद? नहीं नहीं, ये तो बारिश के पानी में उन्होंने खुद उनके घर वालों ने बताया, और जिन लोगों ने निकाला, वहाँ पे एक डीसीडी की कर्मचारी भी थी, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला वो नहा रहे थे, उनके साथ और भी लोग बच्चे थे, तो जब ये 3 बच्चे डूबे तो बाकी बच्चे ऊपर गए भाग के, उनको सब लोगों को बताया, जिससे दिल्ली पुलिस का एक जवान था और डीसीडी कर्मचारी से उनको बचाया गया, मतलब बाहर निकाला गया। तीनों बच्चों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। आपको बता दें तीनों के तीनों जो मासूम बच्चे हैं उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। इस वक्त हम उसी जो जगह है उसी लोकेशन पर मौजूद है। शहजादा आसमी, न्यूज 24 दिल्ली।